नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दोनों बड़े बेटे कनाडा में सेट हो गए जी। बड़ी बहू कुछ महीने पहले कनाडा में चली गई और वहां अपना घर संभाल रही है और छोटी बहू शिका कहती है कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, यही रहकर हमारी सेवा करना चाहती। आज के जमाने में इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिलती है कहीं? सच कहो तो हमारी बहुएं बेटी से कम नहीं है। बड़ी बहु तुम यहां अचानक? अच्छा बहन जी आप चलिए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अरे अनामिका दीदी आप यहाँ? मेरा मतलब कनाडा से अचानक कैसे आना हुआ? क्या हुआ बड़ी बहू, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी, जब से मैं कनाडा गई हूँ जीना ही भूल गई थी, दम घुटने लगा था मेरा वहाँ। लेकिन ऐसा क्या हो गया वहाँ? मेरी तो राजीव से हर रोज दूसरे तीसरे दिन तो बात होती रहती है, वो तो कहता है कि सब ठीक है। नहीं मम्मी जी, राजीव आपसे झूठ बोलते हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। जब से मैं कनाडा गई हूँ हमारे बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते डेली, और आजकल तो राजीव जी ने मुझ पे हाथ भी उठाना स्टार्ट कर दिया था। कैसे ये सब बर्दाश्त करते, इसलिए मैं किसी को बिना बताए इंडिया आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि राजीव तुम पर हाथ उठा सकता है। सही कह रही है मम्मी जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। राजीव भैया इतने भोले और ये सब? दुख क्या आप लोगों को, मेरे आंसू मेरा दर्द झूठा लग रहा है। नहीं दीदी, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। लंबे सफर से आयो, जाके अपने कमरे में आराम करो। आइए दीदी। रोइए मत दीदी, वो कहावत सुनी थी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पर आपके साथ बहुत गलत हुआ दीदी। इन मर्दों का ना कुछ ठीक नहीं होता। सच बताऊं
इसीलिए तो मैंने अपने पति के साथ कनाडा नहीं गई। मैं आपके लिए ना बढ़िया चाय बना के लेके आती हूँ, और आप रोइए मत, शाम को आके बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और मुझे मंदिर भी जाना है, चलो बाय। राजीव बेटा, ये बात ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी बहू से लड़ाई झगड़ा करने की? कोई अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है क्या? क्या यही संस्कार दिया हमने तुझे? मुझे नहीं पता माँ कि अनामिका ऐसा क्यों बोल रही है। वो जब से कनाडा आई थी छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ा करती थी, पर भला मैं उसके ऊपर हाथ क्यों उठाऊंगा? देख बेटा, पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत तो खटपट होती रहती है, लेकिन पत्नी को बनाने का काम पति का होता है। इसलिए तो अनामिका से बात कर और उसे मना, उसे वापस अपने पास कनाडा बुला, ताकि तुम दोनों साथ में खुश रहो। ठीक है माँ, मैं अनामिका से बात कर लूंगा, मैं रात को फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, बाय। शालू तो आ गई। किसी इतनी जल्दी आ गई? ससुराल में दिल नहीं लगता है तो आ गई ना अपनी माँ के पास रहने। चल अच्छा हुआ, माँ को भी आराम मिलेगा। अरे माँ ये सब छोड़ो, मैंने सुना अनामिका भाभी कनाडा से वापस आ गई, आखिर चक्कर क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया तो यहाँ आ गए। कुछ दिन बाद यहाँ रहेंगे, अगर मूड अच्छा होगा तो वापिस चली जाएगी कनाडा। ये अनामिका भाभी है किधर? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इतनी दूर से उनकी ननद उनसे मिलने आई है, आवाज सुनते तो मिलने आना चाहिए ना। बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रही है, इतना लंबा सफर करने के बाद थकान तो हो ही जाती है ना। अच्छा, और शिखा भाभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? वो मंदिर गई है। मंदिर? वैसे ये रोज रोज बेवक्त मंदिर जाने का क्या चक्कर है माँ? रोज रोज मंदिर जाने के बहाने बनाकर ना बोर हो गई हूँ, सोच रही हूँ कोई नया बहाना बना लूँ। अच्छा, एक काम करो, अपनी सास से कहो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा अरे कौन हो भाई, क्या काम है? एसी मैकेनिक हूँ, फोन आया था मुझे मैडम का कि ठीक से एसी नहीं चल रहा है। कौन मैडम? नाम वाम पता है मैडम का? इन्हें मैंने बुलाया है। अनामिका भाभी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे जैसे ही पता चला ना कि आप कनाडा से वापस आ गए, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई। और मैं कनाडा से कोई मेडल जीत के नहीं आई हूँ जो तुम इतना खुश हो रही हो। मम्मी जी वो मेरे कमरे का एसी है ना, चल नहीं रहा है तो मैंने इनको ठीक करने बुलाया है। हाँ हाँ बेटा बनवा लो, काफी दिन से बंद भी पड़ी थी, गंदगी भी जम गई होगी। जाओ बेटा बनवा लो।
घर की बहू है, अपनी ननद की इज्जत भी नहीं करती। इतनी दूर से आई हूँ मिलने, ऊपर से ठीक से मिली भी नहीं और टेढ़ा मुंह बना के चली गई। तू भी ना शालू, छोटी छोटी बातों का बत्तखंड बनाती रहती हूँ। चल जा रसोई में, दो कप चाय बना के ले आ। चा? कब से बंद पड़ी है मैडम एसी? जब से तुमसे दूर गई हूँ मेरे दिल का एसी बंद पड़ा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम नहीं आती ना मैं चला आता कनाडा। अच्छा जी, और तुम्हें पता है तुम्हारे पास आने के लिए जानबूझ के अपने पति से झगड़ा करती थी, कितने नाटक करने पड़े मुझे यहाँ आने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हम तो बाहर भी मिल सकते थे, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम्हारी सास को ये पता चला कि मैं कोई एसी मैकेनिक वैज्ञानिक नहीं हूँ तो क्या हुआ? पता चल जाने तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें जब से जानती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और मुझे ना तुमसे मिलने के लिए ना किसी से डर नहीं लगता। पर तुम ना, अभी ये बातें बंद, सिर्फ प्यार होगा। सुबह से शाम हो गई, अभी तक ना शिखा भाभी मंदिर से घर आई है और ना ही अनामिका भाभी का एसी ठीक हुआ। इतना शांत मत बैठो माँ, मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो अनामिका भाभी के कमरे में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। चलो माँ। लो हो गया मैडम जी, सिर्फ जाम हो गया था। अच्छा मम्मी जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मंदिर तो हम लोग भी जाते हैं, इतना समय थोड़ी लगता है पूजा पाठ करने में। शाम के 7 बज रहे हैं और अब तक शिखा भाभी का कोई अता पता नहीं। इतने मन से याद करेंगी तो मैं आ ही जाऊंगी ना दीदी जी। अरे छुट्टी, वो इतना समय लग गया, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी, ऊपर से कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से एक ही रिक्शा मिली, उसी से आई हूँ। अच्छा भाभी, आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर मंदिर में काहे की भीड़? ये सब बातें ना बात भी करना, छोटी वो रसोई में जाके खाना बनाने, अनामिका भी बहुत दूर से आई है, उसे भी भूख लगी होगी। जाओ बेटा। जी मम्मी जी। वैसे शालू दीदी, आपको भी तो अपने ससुराल जाके खाना बनाना होगा ना। मेरी रिक्शा बाहर खड़ी है, आप जाइए नहीं तो देर हो जाएगी।
छोटी बहू ठीक कह रही, तू भी यहां से चली जा। ठीक है। अगर ठीक समय पे हमें पता नहीं लगता कि हमारे कमरे में कोई आ रहा है, तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं? जिस तरह से तुम्हारी सास और ननंद अचानक से कमरे में आई थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो यही देखने आई थी कि कमरे में आकर चल क्या रहा है। खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी रखिएगा, आना जरूर। ओके ठीक है, अभी हम कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। मेरे पीछे खड़ी होकर तुम क्या सुन रही थी? आपकी बातें सुन रही थी दीदी। वैसे आप फोन पर बोल रही थी, कुछ गड़बड़ हो जाती? कैसी गड़बड़ दीदी? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के काम में ना टांग मत अड़ाया करो। ठीक है, गुड नाइट। मम्मी क्या हो रहा है? अनामिका भाभी और शिखा भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? होंगे कहीं। अरे बड़ी बहू, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ मम्मी जी, मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कपड़े पहन के मार्केट कौन जाता है? मैं तो हमेशा ऐसे ही जाती हूँ। हाँ आपका पता नहीं, वैसे भी आपकी मार्केटिंग तो सरोजनी नगर से हो जाती है ना, तो वहाँ आपको सदस्य के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे छोड़ो बहू, क्या बातें कर रहे हो? इसकी तो ना आदत है इधर उधर बातें करने की। अच्छा बहू, कल राजू का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसे कॉल किया था और तुमने उठाया नहीं। मम्मी जी, जब उनका फोन आया था ना, मैं सो रही थी, फोन नहीं उठा पाई। अब मैं मार्केट जाके आ जाऊँ, आके बात कर लेती हूँ राजीव जी से। ठीक है। क्या माँ, आप कभी मेरा सपोर्ट नहीं करते हो। और ठीक ही तो कह रही थी मैं, ऐसे कपड़े पहन के मार्केट नहीं डिस्को जाते हैं थिरकने। और मम्मी जी, मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अरे भाभी रुकिए, मम्मी हम भी चलते हैं ना प्रवचन सुनने, चलिए। वो क्या है ना शालू दी, प्रवचन यहाँ से काफी दूर है, वो भी खुले आसमान के नीचे। आप और मम्मी जी क्यों परेशान हो रही है? मैं जा रही हूँ ना, प्रवचन की डीवीडी ले आऊंगी, घर पे बैठ के सुन लेना। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। घोर कलयुग है मम्मी, घोर कलयुग। ये शिखा और अनामिका भाभी अकेले अकेले निकल गए, कुछ तो गड़बड़ है। शालू तो आजकल ना बहुत सीरियल देखने लगी, बेवजह मेरे बहू पर शक करती रहती। चल अंदर आ, मेरे सर में बाम लगा दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। आ दीदी। मैं ना अपने लिए कुछ ड्रेसेस चूज की थी, जरा देख के बताना कौन से मुझ पर अच्छे लगेंगे। दीदी आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ओ सॉरी, गलती से ये वाली फोटो निकल गई। वैसे आपका बॉयफ्रेंड काफी स्मार्ट है। वो क्या है ना दीदी, आज मैं बाहर गई थी, आप दोनों को साथ में देखा तो सोचा एक फोटो ले लूं। डरिए मत दीदी, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी, मम्मी जी से भी नहीं। वैसे पिंक ड्रेस में तुम भी अच्छी लग रही थी, कहो तो फोटो दिखाऊं तुम्हें? HD क्वालिटी वाली थी, कहो तो मम्मी जी को व्हाट्सएप कर दूं?
ताकि मम्मी जी को भी तो पता चले उनकी छोटी बहू पूजा पाठ और प्रवचन सुनने के बहाने क्या गुल खिला रही है। फिर सोचा सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ऐश करो। क्यों देवरानी जी, सही कहा ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, जब हमें एक दूसरे का राज पता चल ही गया है क्यों ना इस रिश्ते को हम दोस्ती में बदल दे। मम्मी जी ना नींद की दवा लेके सो रही है, तभी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर देर किस बात की, चलो रातें रंगीन करते हैं। चलो चल। शिखा मजा आया ना? बहुत मजा आया दीदी, घर पे बुलाने का आइडिया आपका जो था। कैसा रहा मेरा प्लान? बहुत अच्छा। अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है। रात गए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी वो जब से मैं कनाडा से आई हूँ ना तो मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे सारी रात भर नींद नहीं आती है, तो मैं ना शिखा को लेके लॉन में घूमने गई थी, अभी हम लोग आए हैं। हमारे घर में कोई आदमी आता जाता नहीं है, फिर ये मर्द करोमल यहाँ कैसे है, किसका है ये? अरे मम्मी जी ये रुमाल तो हमारा ही है। वो क्या है ना, जब से प्रवचन सुन के आई हूँ तब से सर्दी हो गई है, अब मेरे ही हाथ से गिर गया होगा मेरा ये। लेकिन मम्मी जी इस टाइम पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल बेटा मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं नींद की दवाई खाना भूल गई तो आँख खुल गई। दवाई लेने के लिए मैं यहाँ पानी लेने आई थी तो तुम दोनों को यहाँ देखा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रूम में जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी गजब हो गया, मम्मी गजब हो गया। क्या हुआ शालू, इतनी भागती हो क्यों आई? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ ठीक नहीं है। आपकी वो दो लाडली बहुएं इस खानदान का मुंह काला कर रही हैं। क्या हुआ? आज मैंने शिखा भाभी और अनामिका भाभी को मॉल में दो पराए मर्दों के साथ देखा और वो दोनों उन दोनों से ऐसे चिपक रही थी जैसे जैसे कि क्या? जैसे कि उनका चक्कर चल रहा हो माँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। माँ क्या बोल रही है? माँ
मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, पर आपकी कसम माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या हुआ मम्मी जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम दोनों मॉल में किसके साथ घूम रहे थे? ये आप क्या पूछ रही है मम्मी जी? मैं और अनामिका दीदी तो शॉपिंग करने गए थे, और फिर झूठ मत बोलिए शिखा भाभी। मैंने आप दोनों को मॉल में उन दो पराए मर्दों के साथ देखा है। मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ चल रहा है इस घर में, और मुझे पता भी नहीं क्या रिश्ता है तुम लोगों का उन मर्दों के साथ। बोलो। बॉयफ्रेंड, हम दोनों के बॉयफ्रेंड हैं वो। विवेक नाम है उसका, उसको मैं कई सालों से जानती हूँ। विवेक के पास जॉब नहीं थी तो मेरे माँ बाप ने आपके बेटे से मेरी शादी कर दी, और शादी करने के बाद भी आज भी हमारा प्यार चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अपने प्यार के लिए मैं राजीव से लड़ झगड़ कर कनाडा से यहाँ आई हूँ। मोहित मेरा बॉयफ्रेंड, हम काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं, और ये बात आपके बेटे विनोद को भी पता है। क्या हुआ मम्मी जी? वो क्या है ना, शादी के बाद मुझे पता चला कि आपका बेटा शारीरिक रूप से कमजोर है, चौंकिए मत मम्मी जी। जब आपके बेटे में इतनी कमी थी तो आपने मेरी उससे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? वो तो अच्छा हुआ मोहित मेरी जिंदगी में आया, वैसे विनोद का ही दोस्त है वो। जब से मेरी जिंदगी में आया है ना, खुशियों से भर दिया है। और हाँ, ये बात जब आपके बेटे को पता चली ना, वो मुंह छुपाकर यहाँ से कनाडा भाग गया अपने बड़े भाई के पास। देखो तुम दोनों ना मेरी इस घर की इज्जत हो, अगर तुम लोगों ने ये सब करना नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा, भूल देती हूँ। मम्मी जी आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिश की और हम दोनों के बारे में अगर किसी को भी बताया ना, तो हम दोनों ना आपके परिवार को बदनाम कर देंगे, और आपके घर की जो ये इज्जत है ना, ये सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, समझ गया? और हाँ, आप भी कान खोल के सुन लीजिए शालू दीदी, अगर आज के बाद आपने जासूसी करने की कोशिश की तो मैं आपके ससुराल में फोन करके बोल दूंगी। कैसे यहाँ पे आप आके अपने ससुराल और पति के बारे में बुराई करती है? हमारा छोड़िए, आपका घर पहले टूट जाएगा। माँ मैं चलती हूँ। बेटा जो कुछ भी छोटी बहू और बड़ी बहू ने कहा है उसके बारे में हमें विनोद और राजू से बात करनी होगी, नहीं तो ये घर टूट जाएगा, हम बर्बाद ही जाएंगे। राजू बेटा मुझे तुम्हें और विनोद से एक जरूरी बात करनी है। बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। कौन हो आप लोग?
फ्रेंड है, आई मीन बॉयफ्रेंड है। नमस्ते आंटी जी। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। शांत हो जाइए मम्मी जी, जब आपको सच्चाई पता चली गई है फिर छुप छुप कर क्यों मिलना? अब तो इन दोनों का आना जाना लगा रहेगा। चलिए मम्मी जी, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब हमारी खुशी में आप भी खुश रहिए और अब इसी में आपकी भी भलाई है। देखो तुम लोग ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब पाप है और ये पाप मैं इस घर में होने नहीं दूंगी, समझी? नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। शालू बेटा, शिखा और अनामिका को रोकना होगा, बात हद से ज्यादा निकल चुकी है। अगर इन दोनों के बीच में मैंने कुछ बोला ना माँ, तो ये दोनों चुड़ैले ना मेरा घर बर्बाद कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसे नौबत कभी नहीं आएगी। अच्छा तू तो एक काम कर, तू इस समय यहाँ आ सकती है? वो क्या है ना माँ, आजकल ना दिल्ली में बहुत चोरी और डकैती की घटनाएं हो रही है, इतने दिन के लिए ना घर छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल है। और आप भी ना सोने से पहले खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद करके सो, ठीक है माँ? ठीक है बेटा। We'll be right back.
शिखा अनामिका जल्दी आओ, चोर 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 पकड़ो शिखा अनामिका जल्दी आओ। मम्मी जी बॉडी का पंचनामा करो और जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैडम। मम्मी जी की आवाज सुनकर जैसे ही हम उनके कमरे में गए, चोर ने थोड़े से उनके सर पे वार कर दिया। और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दूसरे चोर ने हम पे रॉड से वार कर दिया और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मम्मी जी आजकल दिल्ली में चोरी के साथ साथ कत्ल की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। आप चिंता ना कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की। मैंने राजीव और विनोद दोनों को फोन करके सब कुछ बता दिया है। उन्हें इंडिया आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ आने की? निकल जाओ। तुम दोनों को सजा दिलाए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ की हत्या चोरों ने नहीं, इन दोनों ने मिलकर की है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकवास कर रही है तुम? इंस्पेक्टर सर, ये ननंद कम दुश्मन ज्यादा है। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ना हम दोनों के पीछे हमेशा पड़ी रहती। ड्रामा बंद करो अपना। पुलिस को सारी सच्चाई पता है। मुझे कल रात माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बताया कि शालू, हमारे हाथ में एक ऐसा सबूत आया है, अब अनामिका और शिखा की अयाशियां खत्म हो जाएगी और दोनों को घर से निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, यही होगा कि आप दोनों अपना जुर्म कबूल कर लें। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानी से आपका समय बर्बाद कर रही है। अच्छा, हवलदार
शालू जी के बयान के आधार पर हमने आपकी कॉल डिटेल्स खंगाली और हम इन तक पहुंचे। ये दोनों तो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, बेहतरी इसी में कि आप भी अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना पुलिस स्टेशन जाकर मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी ने कल रात को बताया कि उनको कोई सबूत मिल गया। आप बेकार में मम्मी जी इतनी मेहनत कर रही हैं, आप उन दोनों को नहीं रोक पाएंगे। जितना हंसना है ना हंस लो तुम दोनों, पर एक बात याद रख लो, ऐसा सबूत हाथ लगाए कि तुम दोनों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। कल मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ केस दर्ज करूंगी और तुम दोनों को मेरे बेटे की जिंदगी से और मेरे घर से हमेशा के लिए दूर करूंगी। बस मुझे कल सुबह का इंतजार है। सबूत? कौन सा सबूत? हमें नहीं पता था कि वो सबूत क्या है, बस पुलिस के हाथ लगने से पहले हमें मिटाना था। फिर हम विवेक और मोहित को घर पे बुला ले और फिर बुढ़िया का कॉन्फिडेंस देख के हम दोनों भी घबरा गए थे। अभी कैसे भी करके हमें सारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो हम सब तकलीफ में पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अरे दिल्ली में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, अगर चोरों के हाथ से बुढ़िया मर भी जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। वैसे हम लोग पर कोई डाउट भी नहीं करेगा और बुढ़िया के खत्म होने के बाद सुकून की जिंदगी जिएंगे। अरे तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मम्मी जी के सोने के बाद उनके रूम की खिड़की की कुंडी मैंने ढीली छोड़ दी थी ताकि मोहित और विवेक अंदर आ सके। मम्मी जी के खत्म होते ही हमने उनका फोन चेक करना शुरू किया। अरेस्ट है, ले चलो इन्हें। अगर तुम दोनों को अय्याशी करनी थी तो डिवोर्स लेके अलग हो जाती, कम से कम मेरी माँ तो सुन रहा। ले चलो।